नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय नरसिंहपुर के स्टेशन थानांतर्गत 16 मई को अगरिया दफाई निवासी शंकरलाल प्रजापति पिता कन्हैयालाल प्रजापति ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका लड़का रामलाल प्रजापति उम्र 40 साल को घर पर सोते समय कोई अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से सिर माथे जबड़ा सीना तथा अंडकोश में मारकर चोट पहुँचाकर हत्या कर दी। रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 38/19 धारा 174 दफा को कायम कर जांच में लिया गया। अंधी हत्या होने के कारण पता साझी के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह द्वारा अति पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी एवं अधि पुलिस नरसिंहपुर अर्जुन लाल उइके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी स्टेशन गंज निरीक्षक श्री सुनील चौहान ने एक टीम का गठन किया और 48 घंटे में अंधी हत्या का खुलासा कर डाला। पति शराब के नशे से परेशान, पत्नी ही निकली कातिल। 48 घंटे के अंदर अंधी हत्या का खुलासा करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को पुलिस अधीक्षक श्री गुरुकरण सिंह के द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। पूरी टीम को 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया। इसकी शिकायत की थी कभी थाने में? शिकायत नहीं, हमने तो नहीं की, लेकिन दूसरों ने की थी इसकी शिकायत। किस किस के साथ मारपीट करता था? आपके साथ बच्चे भी हैं आपके? जी। कितने? 3 बच्चे हैं। उनके साथ ही मारपीट होती थी? जी सर। कभी उनकी घर वालों से आपने बोला है कि प्रताड़ित करते हैं? बोला था, जैसा तुम जानो वैसा करो, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, शराब पीते हैं, हमारे पति गलत है। तक शराब पीकर हमेशा मारपीट किया करता था, सार्वजनिक रूप से मारपीट करता था। और हत्या वाले दिन जब उसने देखा कि उसका मंगलसूत्र जो उसने डब्बे में छुपा के रखा हुआ था वह भी गायब है, जब उसने पूछा कि मंगलसूत्र कहाँ चला गया तो जो उसने गिरवी रख दिया था ऐसा बताया जा रहा है। इस बात पर लेके और अपनी प्रताड़ना को लेके महिला बहुत दुखी हो गई और रात में उसने खुद अपने घर में जाकर अपने पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। महिला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।